안녕하세요. वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बहुत यमी सा डेजर्ट बनाएंगे विदाउट कुकिंग एंड विदाउट बेकिंग, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो हमारे पास यहाँ 200 ग्राम क्रैकर्स, जो भी आपको पसंद हो, कुकीज़ जो भी, उसका चूरा है। मेरे ग्राम क्रैकर्स हैं। इसमें अब हम डाल देंगे 6 टेबलस्पून मेल्टेड बटर। मेरा बटर अनसॉल्टेड है और अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो बस आपको बटर इतना डालना है कि जो आपके कुकीज़ का चूरा थोड़ा सा इस तरह से मॉइस्ट हो जाए। तो यहाँ जो है हम निकाल लेते हैं 2 टेबलस्पून फॉर डेकोरेशन गार्निशिंग। और अब यहाँ मैंने 2 डिशेस ली है, अगर आप चाहें तो एक डिश भी ले सकते हैं। और इसमें हम आधा आधा डाल के इसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे। और अब इसे हम थोड़ा सा प्रेस कर देंगे किसी चीज़ से। तो ये मेरे पास एक स्कूप है, इससे कर देते हैं। तो बस हल्का फुल्का हमने इस तरह से प्रेस कर दिया और इसको अब हम फ्रिज में रख देंगे फॉर 25 मिनट्स। देखिए हमारे बेस को फ्रिज में रखे हुए 25 मिनट्स के आसपास हो गए। तो अब हम इसका अच्छा सा कस्टर्ड बनाते हैं विदाउट कुकिंग। तो यहाँ हमारे पास है 1 कप हैवी व्हिपिंग क्रीम, जो कि चिल्ड है, ठंडा होगा तो व्हिप जल्दी हो जाएगा। और अगर आपका व्हिप्ड है तब आप इसी तरह से डाल दें। ये वो है जिससे आइसक्रीम बनाते हैं ना, वो वाला है। तो अब इसे हम व्हिप करेंगे। देखिए ये इतना थिक हो गया है, इतना। तब इसमें हम डाल देंगे कंडेंस मिल्क। तो ये कंडेंस मिल्क हमारे पास 3/4 कप है। अगर आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी मीठा कर सकते हैं, 1 कप भी कर सकते हैं। और कंडेंस मिल्क मैंने बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो वेरी इजी टू मेक। तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ, आप ज़रूर देखिएगा, अदरवाइज रेडीमेड ले लें। अगर आपको कंडेंस मिल्क नहीं यूज़ करना है तब आप पाउडर शुगर यूज़ करें, लेकिन फिर जैसे मैंने हैवी व्हिपिंग क्रीम 1 कप लिया ना, तो आप उसकी जगह 1.5 ले लें। अब इसके साथ व्हिप करेंगे। और अब इसमें डालेंगे हम क्रीम चीज़, जो क्या है 225 ग्राम्स, 8 ounce के आसपास। और क्रीम चीज़ भी मैंने बनाई है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ, वेरी इजी। अच्छा, जो क्रीम चीज़ थी वो रूम टेम्परेचर थी, और कंडेंस मिल्क भी अगर फ्रिज में रख देंगे तो रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा, क्योंकि रिच एंड क्रीमी हो जाएगा, थिक होगा। तो देखिए कितना क्रीमी सा हो गया है। अब इसमें हम थोड़े से खुशबू के लिए वेनिला डाल देते हैं। मेरा जो है पाउडर फॉर्म में है, मैं 1/2 टीस्पून डालती हूँ। अगर आपके पास लिक्विड है तो आप लिक्विड डाल दें।
देखिए बड़ा थिक सा हो गया, और अब इसको हम निकालते हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे फ्रूट कॉकटेल। बेसिकली हमें मेहनत करनी नहीं है, हर चीज़ झटपट खोल के और विस्क किया और फ्रिज में रख दें और मज़ेदार सा बन जाएगा। तो यहाँ मैंने ये एक बड़ा वाला कंटेनर और एक छोटा वाला कंटेनर फ्रूट कॉकटेल का लिया था, जिसको मैंने स्ट्रेनर में डाल के स्ट्रेन कर लिया इस तरह से। तो अब थोड़ा सा हम निकाल लेंगे गार्निश के लिए, 4 टेबलस्पून के आसपास निकाल लेते हैं। और ये सारा जो है इसमें डाल देंगे हमारे कस्टर्ड में, और इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब अपनी डिशेस लेके आते हैं फ्रिज में से और उस पर ये सेट करेंगे। हमारा चिल्ड हो गया है, और अब क्या, सिंपल ये डाल देना है। और अगर आपकी क्रीम व्हिप्ड है तब तो आप इसको हाथ से विस्क से भी कर लेंगे सारी चीजों को मिक्स, तो मशीन भी नहीं लेना होगा। स्प्रेड कर देते हैं। ये हो गया। और अब जो हमने थोड़े से फ्रूट निकाल के रखे थे और ये क्रम्स, इससे गार्निश करेंगे। ये आसपास डाल देंगे फ्रूट थोड़े से। और ये थोड़ा सा इस तरह से सेम इसको भी इसी तरह से कर लेंगे। अब इसे फ्रिज में रखेंगे अराउंड 1 घंटा मिनिमम, और मैक्सिमम 4-5 घंटे। आहा मजे का लगेगा। एक घंटे के आसपास हो गया है, तो चले अपना डिजर्ट लेकर आते हैं। ठंडा ठंडा। तो देखा कैसे झटपट सिंपल वे में बिना मेहनत के ये मिक्स किया, वो मिक्स किया, इवन फ्रूट भी नहीं काटा और शानदार सा डिजर्ट बन गया। तो चले अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा। यम। दानी। ओह, तू कैसे आ गई? आज मैं अर्ली डिसमिसल हुआ। ओह, मेरा बच्चा आ गया। तू इतने जल्दी आने वाली थी? हाँ। अच्छा, गुड। तो तू राइट टाइम पे आ गई है। पप्पी पप्पी नहीं दी? दी कि नहीं दी? हाँ। दुनिया का बेस्ट बेबी आना नहीं है ना, तो अभी तो और भी बोलूंगी। मैं हमेशा बोलती हूँ बच्चों को, इतने प्यारे बेबीज कैसे पैदा हो गए हमारे घर में, तो क्या बोलते हैं? अल्लाह मियां ने पैदा किया। तो जोई को ट्राई करना ही है। हाँ। बेचारी को मीठा ज्यादा नहीं पसंद है, लेकिन ट्राई कर लेगी। मुझे मीठा पसंद है। चल तो बता, व्यूवर्स को सलाम नहीं किया? ओ, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, चल। कस्टर्ड नहीं लिया और फ्रूट साथ? अरे मेरे बच्चे, जब मैं भी ट्राई करूं। हाँ। मैं देखूं, झूठ तो नहीं कह रही थी? मेरे हाथ से एक बाइट लेना होगा। हम्म,
तो बेहतरीन है, ख़तरनाक है, इतना एग्जॉटिक है, इतना क्रीमी है, इतना रिच है और मीठा बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप बनाएं, ज़रा सा मतलब एक कप डाल दें, लेकिन बनाना बनता है। लाइफ ब्यूटीफुल, इजी और प्रेजेंटेबल भी है। तो चले जल्दी जाए बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएँ। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। Love you all. Bye. Allah Hafiz. Yeah. इतनी बड़ी हो गई, देख तो मेरे बराबर में कैसी लग रही है। मैं इसको यू स्टूल पे भी नहीं आती थी पूरी।